थाईलैंड सीरीज के 10th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया इस बार आपको लेकर चलूंगा पैटपोंग नाइट मार्केट में। पैटपोंग थाईलैंड की सबसे पुरानी सेक्स मार्केट है, सेक्स एक्टिविटीज़ का हब है। इसी को एक्सटेंड करके पैटपोंग 1, पैटपोंग 2 भी बनाया गया और पैटपोंग 3 भी। पैटपोंग की नाइट मार्केट वर्ल्ड फेमस है। बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज जैसे द डियर हंटर और मिस सैगोन में इसे पोर्ट्रे किया गया है। आज के एपिसोड में मैं आप किंग कासल, क्वीन कासल, द पिंक पैंथर और गोगो बार के न सिर्फ बाहर बल्कि अंदर के नज़ारे भी देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। इस जगह पर बहुत सारी फुटेज है मेरे पास आपको दिखाने के लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है तो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत जल्दी। जब भी आप आएँ तो सेक्स इवेंट, सेक्स एक्टिविटीज़ के लिए विजिट करना मत भूलिएगा पैटपोंग नाइट। हमने भी बाकी लोगों की तरह ही एंटर किया है थाईलैंड के इस सेक्स हब में। ये है पैटपोंग 1, जिसके दोनों तरफ ढेर सारे, जिसके दोनों तरफ बहुत सारे बार्स हैं और लॉट्स ऑफ स्ट्रीट एक्टिविटीज। बस बढ़ चले थोड़ा आगे, ये है किंग कासल। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अंदर और दिखाते हैं अंदर के नज़ारे। किंग कासल यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर बार है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ किंग कासल के अंदर। किंग कासल सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइजेशन है पैटपोंग में। ये 25 साल पुरानी है और इन्हें सॉय किंग्स के नाम से जाना जाता है। किंग कासल पैटपोंग 1 का सबसे बड़ा ग्रुप है। इनके खुद के ब्यूटी सैलून, बॉडी मसाज पार्लर भी है किंग्स बॉडी के नाम से। ये खुद का एक रेस्टोरेंट चलाते हैं जिसका नाम है टिप टॉप रेस्टोरेंट। और यह किंग कासल ग्रुप सेफ माना जाता है विजिटर के लिए, क्योंकि खाने की क्वालिटी अच्छी है और प्राइस स्टैंडर्डाइज्ड हैं, कोई भी आपसे ज़्यादा चार्ज नहीं करता, तो ज़रूर आइएगा किंग कासल देखने के लिए। मेरे को विजिटर जहाँ बाहर शॉपिंग का मजा ले रहे थे, मैं आपके लिए अंदर जाकर वीडियो शूट कर रहा था। बियर के प्राइस इतने ज़्यादा हैं कि मेरा कोटा पूरा नहीं हुआ, तो मैंने आकर 7-Eleven से अपने लिए बियर खरीदी और हम दोबारा निकल पड़े बार्स हंटिंग के लिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा प्यास तो बुझा लें। So why this water is free here? It's not paid? No. Very bad. Oh, hot, 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 hot. He's speaking in Hindi and mixed with Punjabi language. They're looking for veg food. Can we find veg food somewhere? And Thai force. Vegetable. Veg. Veg. Vegetable and Thai force. Is it non-veg? Pork, non-veg. Beef. No, they need only veg. Beef, no beef, meat, chicken. Chicken and all. They don't eat chicken and beef. They need no only beef. Vegetables. Vegetable. Yeah. Only vegetables. No veg, yeah. Yeah. सबसे पहला जो बार हमें नज़र आया इसके बिल्कुल बैक साइड पर वो है पिंक पैंथर। मैं अभी अभी लेके आया हूँ लियो बियर 52 बाट। पिंक पैंथर गोगो बार ग्रुप का पार्ट है। ये सिर्फ आपको पैटपोंग मार्केट में ही मिलेगा।
इनका स्टाफ फ्रेंडली है, रेडी टू सर्व कस्टमर. पिंक पैंथर बार का मोटो है सेंस ऑफ फीलिंग, विच मीन्स टू मेक देयर गेस्ट फील कंफर्टेबल एंड एट ईज एट होम. मुझे तो इनका कोजी और रिलैक्सिंग एंबियंस बहुत पसंद आया. उम्मीद है जब आप आएंगे आपको भी अच्छा लगेगा. और बियर के प्राइस थोड़े से ज़्यादा हैं, तो मज़ा लीजिए आप भी मेरे साथ द पिंक पैंथर बार का. जैसे ही हम निकले पिंक पैंथर बार से बाहर, इन सज्जन ने हमें अप्रोच किया जो लेकर जा रहे थे हमें उनके डिस्क में, जिसमें थे नो कवर चार्जेस. तो जरा सुनिए. Now happy hour, happy time. But some hidden charges? No charge. Only buying one drink. Is it 100 only or yes, some hidden charges are there? Only 100 baht. I read somewhere that there's some hidden charges. No charge, no cover charge. A lot of people come see my bar, big club, many customer. One drink. What is the name of this disc? Super Pussy Club, big club. Super Pussy Bar, third bar. Big cat. That's one. इन सज्जन के साथ हम निकल चले और वहाँ जाकर शौक लगा कि वो एक गे बार था. आप भी देख सकते हैं ढेर सारे लड़के यहाँ बैठे हुए हैं. हमने जल्दी से कल्टी मारी बिना कुछ बात किए और हम सीधे निकल लिए. पिंग पॉन्ग सोना. लीजिए हम वापस हैं पैटपोंग की गलियों में, जहाँ का एम्बियंस वाकई शानदार है. हमें रोक लिया इस लाइव बैंड की परफॉर्मेंस ने. हमने यहाँ थोड़ी देर रुके और इन्जॉय किया इस म्यूज़िक को. खूबसूरत म्यूजिक को एंजॉय करने के बाद वक्त हो चला गया है थोड़ा आगे बढ़ने का. और ये है हमारा दूसरा डेस्टिनेशन द क्वींस कासल. जब मैं बार्स की रिकॉर्डिंग आपके लिए करता घूम रहा हूँ, ये मेरे कुलीग्स, मेरे को ट्रैवलर्स हैं जो शॉपिंग का मज़ा ले रहे हैं बाहर. देखिए शॉपिंग का एक्सपीरियंस किस तरह का रहता है. अच्छा, पैटपोंग नाइट मार्केट में चीज़ें थोड़ी कॉस्टली हैं, ये आप ध्यान रखिएगा. उसको ऐसे क्रश कर लो.
bargaining tips सिखाता हूँ उनको बोल मैंने सो दे रहा टाइम हो चला है एक और बियर का एक मेरे बियर हाथ में जो ख़त्म नहीं किया और एक और कैन मैंने खरीद ली कोटा फुल रहना चाहिए हमेशा बियर की एक और कैन लेकर मैं वापस पहुंच चुका हूं मार्केट में वक्त हो चला है थोड़ा बाहर के नज़ारे और फ्रेश एयर इंजॉय करने का उसके बाद हम चलेंगे एक और बार में $450 baht for a bangle is really costly. But costly. Too costly. Four, what is the price? $450. But really costly. Yeah. Very costly. Ladki aur unke shopping. Have you bought something good? Yeah. Cheers, man. I'm liking it. कैब बुक किए वापस आने के लिए टुक टुक वाला 300 रुपये की डिमांड कर रहा था मतलब 300 बाट की और हमने दिया 117 बाट तीन लोगों में डिवाइड होकर के परेड किया एवरेज कॉस्ट आएगी 45 बाट रुपये की तो ये बढ़िया ऑप्शन है यार टैक्सीज ऑनलाइन ही होनी चाहिए लोकल लोगों के भरोसे रहोगे ना तो लूट लेंगे आप तो इसलिए टुक टुक का चार्ज था 300 बाट हमने ग्रैब टैक्सी ऐप यूज़ की और हमें 117 बाट में टैक्सी मिल गई शानदार होंडा की गाड़ी रेड कलर ब्लैक ग्लासेस आपको मज़ा आएगा देख कर ये तो अच्छी जैसी लग रही है ग्रैब टैक्सी जिंदाबाद टुक टुक के 300 रुपये और यहाँ का 117 मतलब 300 बाट और 117 बाट और ये गाड़ी है ये दिखा जरा गाड़ी रात के 2 बज चुके हैं हमने गाड़ी की और हम पहुंचे वापस अपने हॉस्टल तो जब तक मैं हॉस्टल पहुंचता हूं आप इंजॉय करिए कुछ और क्लिप पैटपोंग नाइट मार्केट पैटपोंग 1 और पैटपोंग 2 की मिलते हैं अगले एपिसोड में सायोनारा गुड नाइट एंड खापन खाप बस करो यार बोर हो गए
मैं ऐड करके डाल दूंगा ना स्वाति दिस फॉर नमस्ते एंड खापन खाप खापन खाप